नमस्कार। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, जब हम खेल की परिभाषा के रूप में देखते हैं तो खेल, जब हम कहें क्या कर रहे हैं, बोला खेल रहे हैं, तो आज की दृष्टि में ये खेल की परिभाषा थोड़ी बदलती जा रही है। खेल खेल से बदल के बदलता हुआ अब थोड़ा सीरियस एक्टिविटी के रूप में आता जा रहा है, चाहे वो हम कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स लें या उसको फिटनेस और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने का हम अपने एक सहारा माने। मैं हर जगह बोलता हूँ कि इस चीज़ के लिए कोरोना ने बहुत मदद करी है, क्योंकि उसने इसकी वैल्यू, खेल स्पोर्ट्स फिटनेस एक्सरसाइज, इन सब की वैल्यू भी एकदम से बढ़ा दी है। हम लोग समझने लगे हैं, समझते तो शायद पहले भी थे लेकिन उसको उतना सीरियसली लेते नहीं थे, अब भी हम मानने लगे हैं और सीरियसली लेने में हम बाध्य हो गए हैं। तो उस दिशा में सब लोग खुल गए हैं। जिस तरह से एक समय होता था कि टाइम बर्बाद मत करो, वो चीज़ भी अब ख़त्म होती जा रही है कि अब टाइम बर्बाद नहीं, एक हिस्सा है जीवन के, बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए खेल भी बहुत ज़रूरी है। मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, और सभी बच्चे जो इस समय आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी स्वामी जी से ही बात कर रहा हूँ, ये बहुत इस समय एक्सट्रीम ठंड का समय चल रहा है, और पार्टिसिपेट करने के लिए वार्म अप करना, उसके बाद आना, फिर खड़े रहना, ये सब चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगती है सबको। तो इस चीज़ के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और जितने लोग अभी तक अच्छा कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बोलता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि फिक्स हो गया स्पोर्ट्स में कि ये बहुत अच्छा है, जैसे जीवन के हर पहलू में है कि कोई ये नहीं है कि पहले से लिख गया कि ये अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा। हर पहलू में, चाहे वो शिक्षा ले लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य ले लीजिए, चाहे वो कोई बिजनेस का लाइन ले लीजिए, तो उसी तरह से खेलों में भी है। अगर नहीं आज जीत पा रहे तो अगली बार के लिए कोशिश करिएगा, और जीतना ही बहुत ज़रूरी नहीं है, खेल से बहुत सारे और मूल्यों की प्राप्ति होती है, कोऑपरेशन, ग्रुप वर्क, कोहेजन, एवं हारने नहीं, हारने की एक बात, कभी नहीं हारना, नेवर से वी आर लॉस्ट। तो ये सभी चीज़ों का होता है, तो जीवन में वो सारी चीज़ें, खेल से जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं उन सबको लीजिए, अपने आत्मसात करिए उन चीज़ों को और आगे बढ़ते रहिए। मैं एक बार सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे आपने यहाँ बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।